तो चलिए आगे बढ़ेंगे और बात संजय निरुपम के राजनीतिक अगले पड़ाव की करेंगे। दरअसल जब अटकलें लगी थी कि आखिर संजय निरुपम आप किस तरफ रुख करेंगे, तो अब तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले संजय निरुपम ने आखिरकार अपना नया सियासी ठिकाना तय कर लिया। संजय निरुपम सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होंगे। शिवसेना में वापसी को संजय निरुपम ने अपनी घर वापसी करार दिया। परसों मैं अपने सभी साथियों के साथ शिवसेना में दोपहर बाद कोई एक टाइम तय होगा मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में प्रवेश करूंगा। हाँ, प्रवेश करना मतलब ज्वाइन करना ही होता है। जब पार्टी ज्वाइन करेंगे तो पार्टी के जितने भी उम्मीदवार होंगे सारे उम्मीदवारों के लिए जोरदार तरीके से प्रचार किया जाएगा और शिवसेना का एक एक उम्मीदवार चुनकर के आए इसके लिए पूरा प्रयत्न किया जाएगा। हालांकि संजय निरुपम ने यह भी साफ किया कि वो इस बार का चुनाव नहीं लड़ेंगे और शिवसेना उम्मीदवारों को जिताने के लिए काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक, भारत। चीन में भारी बारिश ने मचाई भारी तबाही। ग्वांगडोंग में हाईवे का एक हिस्सा गिर जाने की वजह से कम 24 लोगों की मौत की खबर। हाईवे का 70.9 मीटर हिस्सा बह जाने से 20 कारें समा गई। अमेरिका के मेडिसन में एक स्कूल के बाहर फायरिंग। पुलिस ने 14 साल के शूटर को मार गिराया। स्कूल में जबरन घुसने की कोशिश कर रहा था आरोपी। इंडोनेशिया के माउंट रुआंग में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ जिससे लावा और जो राख थी वो 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक फैल गई। विस्फोट के कारण आधा दर्जन से ज्यादा हवाई अड्डों को बंद करना पड़ा। तुर्की में इस्तांबुल में मजदूर दिवस मनाने को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। इस्तांबुल चौराहे की ओर जाने वाले सभी रास्तों को फिलहाल बंद किया गया। उधर अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय और सिटी कॉलेज से इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करे 300 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सभी प्रदर्शनकारी गाजा में जारी इजरायली हमले का विरोध कर रहे थे। पूरे अमेरिका में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। बुलेटिन में मेरे साथ मेरी सहयोगी गायत्री भी होंगी। तमाम बड़ी खबरों का विस्तार से जिक्र करेंगे लेकिन सबसे पहले बात 2 मिनट में देश भर की खबरों की। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। गुजरात में 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। पहली सभा सुबह 11 बजे आनंद की शास्त्री ग्राउंड पर होगी तो दूसरी सभा दिन के 11 बजे बड़वाना में होगी और इसके बाद जूनागढ़ में रैली को करेंगे संबोधित। गृहमंत्री अमित शाह आज यूपी के दौरे पर रहेंगे। बरेली, बदायूं और सीतापुर में जनसभा करेंगे। इसके बाद लखनऊ में 5वें चरण की सीटों की तैयारियों को लेकर संगठनात्मक बैठक करके लोकसभा के तैयारियों की समीक्षा करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सैफई परिवार के गढ़ वाली मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में करेंगे रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह को जिताने की करेंगे अपील। रोड शो के बाद एटा और फिरोजाबाद में चुनावी जनसभा करेंगे। पीएम मोदी वाराणसी से तीसरी बार करेंगे नामांकन। 13 मई को दाखिल करेंगे पर्चा। वाराणसी से 2 बार सांसद रह चुके हैं पीएम मोदी। अमेठी और रायबरेली में नामांकन भरने की कल अंतिम तारीख। कांग्रेस में दोनों सीट को लेकर लगातार मंथन का दौर जारी। राजस्थान के अजमेर में लोकसभा चुनाव के लिए रिपोलिंग आज सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान। अजमेर लोकसभा सीट के एक बूथ पर पोलिंग पार्टी की गलती के कारण फिर से लोकसभा का चुनाव होगा। कांग्रेस से निष्कासित संजय निरुपम की शिवसेना शिंदे गुट में जल्द होगी वापसी। कांग्रेस ने संजय निरुपम की अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयानों के लिए 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। निरुपम 3 मई को अपने सभी साथियों के साथ शिवसेना शिंदे गुट ज्वाइन करेंगे। सीएम एकनाथ शिंदे ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद दी इस बात की जानकारी।
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अफजाल अंसारी का बड़ा बयान, सपा उम्मीदवार ने माफिया मुख्तार अंसारी की तुलना देश के शहीदों से की। अफजाल ने सुखदेव भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद से मुख्तार अंसारी की तुलना की। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस लोकसभा सीट की। जी हां, चौपाल में आज बात मध्य प्रदेश की उस लोकसभा सीट की होगी जहां पिछले 28 सालों से बीजेपी लगातार काबिज है। हालांकि सीट पर बीजेपी को कांग्रेस से टक्कर मिलती रही है और इस बार की बात करें तो मुकाबला त्रिकोणीय होने की उम्मीद है। चलिए चलते हैं और जानते हैं कि आखिर मुरैना की जनता क्या सोच रही है। भारतीय जनता पार्टी देश में बहुत प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। ये सुरक्षित उन्हीं के हाथ में, मोदी जी के नेतृत्व में। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हम तो ये चाहेंगे ऐसा प्रधानमंत्री भारत को खोना नहीं चाहिए। मुरैना लोकसभा सीट, बागी, बिहार और चंबल से पूरे देश में अपनी अलग और अनोखी पहचान रखती है। लेकिन सियासी समीकरणों की बात करें तो मुरैना लोकसभा सीट पर ब्राह्मण और राजपूतों का दबदबा है। दोनों जातियों में सियासी लड़ाई रहती है। ऐसे में सवर्ण मतदाता इस सीट पर निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। लेकिन इस बार क्या होने वाला है, 24 के इस चुनाव में मुरैना की जनता का मूड क्या है, तो मुरैना का रण क्या कह रहा है और मुरैना के जो लोग हैं आखिरकार वो क्या कह रहे हैं, ये जानने के लिए हमारी टीम इस समय बाजार में पहुंची हुई है और आरएस कॉम्प्लेक्स है जहां पर हमारी मौजूदगी है। इस कॉम्प्लेक्स में काफी सारे लोग हैं, आम जनता है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका वोट इस बार किसे जाने वाला है, क्योंकि 28 सालों से आपने देखा भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर कब्जा है। जो दबदबा रहा है वो नरेंद्र सिंह तोमर का है, लेकिन क्या एक बार फिर से यहाँ के लोग मोदी की गारंटी पर भरोसा करने वाले है या फिर यहाँ परिवर्तन की लहर चलेगी, ये यहीं के लोगों से हम समझने की कोशिश करते हैं। चाचा, सबसे पहले आपसे बात करते हैं, क्या लग रहा है इस बार मोदी जी गारंटी का दावा कर रहे हैं कि हमारी गारंटी है योजनाओं को पूरा करने की, जो हमने कहा वो पूरा करके दिखाया। कांग्रेस कह रही है कि इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, आप क्या कह रहे हैं? वास्तव में तो ये है कि मोदी जी ने देश में बहुत ऐतिहासिक काम किए हैं, बड़े सटीक निर्णय लिए हैं। जो बरसों से पेंडिंग काम थे वो उन्होंने वास्तव में गारंटी के तहत ही पूरे किए हैं। उन्होंने राम मंदिर का जो गारंटी ली थी कि हम राम मंदिर बनाएंगे, सैकड़ों बरसों के बाद उन्होंने राम मंदिर को बनाया, सारा देश इसको जानता है। और उन्होंने देश की सुरक्षा के मामले में विदेशों में जो भारत की साख बढ़ाई है, जो दबदबा कायम हुआ है विश्व पटल पे, उसके आधार पे देश उनकी गारंटी पे भरोसा करता है। और इस आधार पे निश्चित रूप से माननीय मोदी जी की गारंटी को लोग स्वीकार करते हैं और भारतीय जनता पार्टी देश में बहुत प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी, सर आपसे समझना चाहेंगे, एक तरफ महागठबंधन है जो कह रहा है कि मोदी जी सिर्फ एक डिक्टेटरशिप की तरह काम करते हैं, एक डिक्टेटर की तरह काम करते हैं और नफरत की राजनीति करते हैं, और मोदी जी कह रहे हैं कि ये जनता ही हमारा परिवार। ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। इन्होंने जो सारे ठगों ने इकट्ठा होकर के और भारत की सनातन और सभ्यता और भारत की अखंडता को एक लंबे अरसे से जो लोकतंत्र की बहाली के बाद जो क्षति पहुंचाने का कुटाराघात करके अखंड भारत को खंडित करने का निरंतर जो इन्होंने प्रयोग किया है और काफ़ी हद तक ये लोग सफल रहे हैं, पर समय, प्रकृति और भगवान का ऐसा आशीर्वाद रहा कि जिन प्रभु श्री राम के 450 वर्ष के अंतराल के बाद जो परिस्थिति समय बदल के आया, आज वो परिस्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी के समय में इन सारी घटनाओं को अंजाम देने का जो काम हुआ है, जैसे राम मंदिर है, 370 है,
पहले आपसे भी समझना चाहेंगे क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने जो वादे किए क्या वो पूरे किए, मुरैना की जनता दोबारा भरोसा कर पाएगी? बिल्कुल करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने चाहे गांवों की बात करें, हम रोडों की जाल बिछा दिया है, चाहे जलनारायण उजला हो, चाहे लाडली बहनाओं की बात हो, मोदी जी के नेतृत्व में बहुत गाँव में खुशहाल है, लोग जनता ने तय कर लिया है भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी प्रेजेंट बहुमत से जीतेगा, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में बहुत काम हो रहे हैं, देश सुरक्षित उन्हीं के हाथ में, मोदी जी के नेतृत्व में जनता ने देख लिया, चाहे राम मंदिर की बात हो, 370 धारा की बात हो, चाहे रोडों की बात हो।